हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल निकिता एजुकेशन में। तो देखिए, झारखंड में जो है 26 सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा को लेकर नई अपडेट जारी हुई है। तो इसमें चलिए पूरी इन्फॉर्मेशन बताते हैं। आपके मन में जो भी डाउट होते हैं 26 सहायक आचार्य नियुक्ति को लेकर आपको मैं क्लियर करने जा रही हूँ। नई अपडेट आई हुई है, देखिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आ चुकी हूँ, जो कि गवर्नमेंट ऑफ झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू। इसमें देखिए, जब आप स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे देखिए एक सेक्शन मिलता है जिसमें कि व्हाट्स न्यू का सेक्शन है। व्यू ऑल पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से कुछ पेज ओपन होता है, जिसमें कि सेकेंड नंबर पे मुझे क्लिक करना है। सेकेंड नंबर पे जब हम क्लिक करते हैं तो देखिए इसमें जो है इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग एक्सेप्टिंग ऑब्जेक्शन ऑन टेंटेटिव आंसर की, जो कि JPSTAACCE 2023 को लेके है। चलिए इसको PDF डाउनलोड करते हैं और बताते हैं। देख रहे हैं आप, PDF ओपन हो चुका है, जिसमें कि बताया जाता है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 विज्ञापन संख्या 13/2023 को लेकर आवश्यक सूचना जारी की गई है, जिसमें कि झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा 2023 अंतर्गत इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य 1-5 पद हेतु परीक्षा 27/4/2024 से लेके 3/5/2024 तक आयोजित की गई थी, जिसमें कि परीक्षा संबंधित औपबंधिक उत्तर कुंजी यानी कि आंसर की एवं उक्त उत्तर कुंजी के विरुद्ध आपत्ति दर्ज करने हेतु लिंक आयोग के वेबसाइट jssc.nic.in पे प्रकाशित की गई है। लिंक के माध्यम से अभ्यर्थी 16/5/2024 से लेके 20/5/2024 तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। सभी पत्रों की औपबंधिक उत्तर कुंजी के विरुद्ध ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने के लिए मात्र एक अवसर दिया जाएगा। उक्त तिथि के पश्चात एवं अन्य माध्यम से प्राप्त आपत्ति द्वारा किया गया दावा मान्य नहीं होगा। यानी कि जो 1-5 तक का जो एग्जाम था, जिन्होंने एग्जाम दिया है, जो कि 3-5 तक आपका एग्जाम हुआ था कंडक्ट, उसमें आंसर की जारी किया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप आंसर की मिलाते हो, अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है या कोई भी आपको संबंधित इशू होता है तो आपको आंसर की से संबंधित कोई भी इशू होता है तो आप यहाँ पे आपत्ति दर्ज कर सकते हो। और एक बात, आपत्ति दर्ज करने का माध्यम ऑनलाइन ही होना चाहिए, अन्य माध्यम से आपका आपत्ति एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आपने एग्जाम दिया हुआ है, कोई भी इशू हुआ है, तो आप आपत्ति दर्ज कर दीजिएगा। 5 मई तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होने की वजह से मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, इसके लिए सॉरी। अब से जो है वीडियो रेगुलरली अपलोड हो जाएंगे और जितने भी इन्फॉर्मेशन आएंगी मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से अपडेट करा दूंगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं दूसरे सब्सक्रिप्शन पर सब लेकर फुल लिस्ट अपडेट। चलिए वीडियो को इनके नए स्टूडियो में से मिलते हैं। और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर निकिता एजुकेशन टेलीग्राम पर सर्च करके ज्वाइन कर लेना। और कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है जबकि मैं इतने दिनों तक वीडियो अपलोड नहीं की हूँ। इसका बहुत बड़ा रीज़न था कि मेरा कुछ ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था, इस वजह से मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड नहीं की थी। तो देखिए अब से जो है रेगुलरली वीडियो अपलोड हो जाएंगी, इसके लिए आप टेंशन फ्री रहना। चलिए वीडियो को इनके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।